हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलबीर, और आप देख रहे हैं मॉडकास्ट। दोस्तों, जो आपका आज का वीडियो है वो आपका इंजन ऑयल प्लस जो गियर ऑयल है उसे आप कैसे चेक करेंगे, तो उस पर आप आज का वीडियो है। मैंने भी काफ़ी दिनों से अपना जो इंजन ऑयल का लेवल है और आपका जो गियर ऑयल का लेवल है वो चेक नहीं किया है। तो थोड़ी जो आपका गियर ऑयल का है उसको अगर आपको चेक करना है तो थोड़ी टफ पड़ेगा। उसके लिए आपको प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपका इंजन ऑयल के लेवल हो आप आसानी से देख सकते हैं। उसमें आपके गेज दिए हुए रहते हैं, गेज वहाँ पे जो आपको गेज मिलेगा मेनली वो डॉट का साइन मिलेगा उसके लेवल का। दोस्तों, मेनली अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो ये आपका जो नॉर्मल चेकअप में आता है इंजन ऑयल प्लस आपको जो गियर ऑयल चेक करना है, पर लोग नॉर्मली करते नहीं हैं। लेकिन अगर आप कभी अगर आपको टाइम मिले, कभी गाड़ी चला के आ रहे हैं हफ्ते में 10 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपना गियर और इंजन ऑयल दोनों चेक कर लें। खासकर पुरानी कार, जो आपकी पुरानी कारें हैं उनमें ज़रूर चेक करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप अपना इंजन बे खोलेंगे, और इंजन बे खोलने के बाद आप देख पा रहे होंगे 800 में तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको जो गियर उसका है, इंजन ऑयल का है, इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए। और जो आपको गियर का है वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख पाया होगा आपको एक कैप है इसकी। तो यहाँ पे आपको गियर, यहाँ पे आपको थोड़ी प्लायर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि थोड़ी हार्ड टाइटली फिक्स रहता है, तो इसलिए इसको थोड़ी खोलने के लिए आपको प्लायर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम गियर वाइल चेक करेंगे, उसके लिए आप एक साफ कपड़ा लें। तो दोस्तों, ये मेरे पास आपका क्लोथ आ गया है, तो ये खोलने के लिए आप सबसे पहले सीधे इसे ऊपर कर दें। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जिसमें आप इंजन ऑयल का लेवल चेक कर रहे हैं उस समय आपकी गाड़ी खड़ी रहे कम से कम 1 से 2 घंटे तक। ये नहीं कि आप गाड़ी कहीं से चला के ला रहे हैं और तुरंत आप उसका इंजन ऑयल का लेवल चेक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आपको जो इंजन ऑयल होता है आपका पूरे सिस्टम में, आपके जो इंजन के पूरे सिस्टम में चला हुआ रहता है, तो उसे इकट्ठा होने में टाइम लगता है। तभी आपको जो ये गियर गेज है ये आपको आसानी से ना इंजन ऑयल का जो आपको गेज है तभी आपको ये सही सही बता पाएगा कि आपके इंजन में कितना इंजन ऑयल है। तो ये दोस्तों मैंने खोल लिया यहाँ पे से, और आप देख पा रहे हैं मैं इसे आगे से पकड़ लेता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे इसमें 2 डॉट हैं। तो ये आपका जो ये नीचे वाला डॉट है आपका, इसमें आपको जो अगर यहाँ तक होते तो आपको इंजन ऑयल काफ़ी कम है और आपको जल्दी से जल्दी अपना इंजन ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा। लेकिन अब देख पा रहे होंगे मेरा ऊपर तक भरा हुआ है, तो जो इसमें इंजन ऑयल है वो पूरा है, इसमें कम इंजन ऑयल नहीं हो रखा है। तो आप एक बार से साफ कर लें पहले, फिर दूसरी बार दो बार चेक करें। दोस्तों, ये आप देखा पा रहे क्लीन हो गए काफ़ी, और आपको ये डॉट तो दिख ही पा रहे होंगे, 2 डॉट हैं इसमें, एक मिनिमम लेवल का है और एक मैक्सिमम का है। तो फिर हम इसे डालते हैं। ये मैंने डाल दिया है फिर से एक बार, और अब आप देख पा रहे होंगे फिर से मैंने इसे डालने के बाद देख पा रहे होंगे इसका जो इंजन ऑयल का लेवल आपका फुल है, मतलब ये इंजन आपका सेफ है और इसमें इंजन ऑयल है वो पूरा है, मतलब कम नहीं हो रखा है। इसी प्रकार से हम गियर का चेक करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आप इसे एक बार घुमा देंगे, उसके बाद आप इजीली इसे हाथ खोल सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने खोल लिया है, इसमें अभी क्लियर दिख नहीं पा रहा है, और आपको जो ये गेज है वो आपका यहाँ तक है। काफ़ी गर्म हो रहा है क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर से चल के आई थी,
खैर ये आपकी आधे घंटे खड़ी रही, तो यहाँ तक आपका लेवल है, यहाँ तक आपका गियर वेल का लेवल होना चाहिए। तो अभी मैं इसे कपड़े साफ करता हूँ, फिर उसके बाद चेक कर देंगे इसमें कितना गियर ऑयल है। तो उसको मैंने साफ कर लिया है, देखो ना काफ़ी क्लियर हो चुका है। अब इसे फिर से डालेंगे गियर ऑयल के जहाँ पे आपको गियर ऑयल का कैप लगती है, और फिर डालने के बाद एक बार इसे पूरा रोटेट कर लें, तभी आपको इस सही ढंग से गियर बता पाएगा कितना आपके ट्रांसमिशन बॉक्स में कितना गियर ऑयल है। ये नॉर्मल चीज़ें जो आपको चेक करनी ही होती हैं, खासकर कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाने पे। कसने के बाद मैं इसे फिर से खोल रहा हूँ, इस बार चेक करेंगे कि इसमें कितना इंजन ऑयल है। तो दोस्तों लगभग लगभग इसमें भी इंजन ऑयल आपका पूरा ही भरा हुआ है, अभी कैमरे में उतना क्लियर दिख नहीं पा रहा होगा, ये करीब करीब यहाँ पे तक इसमें मेरे को हल्का सा टॉप अप करना पड़ेगा, हल्का सा कम है लेकिन इतना चल जाएगा, ये बिल्कुल माइनर है आपका। लेकिन आपको जो इंजन ऑयल जो आपको गियर ऑयल हो यहाँ तक होना चाहिए पूरा, अभी देख पा रहा हूँ यहाँ तक इससे गेज है जहाँ पर मेरा नाखून है, यहाँ तक आपको पूरा गियर ऑयल होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंजन ऑयल प्लस गियर ऑयल चेक कर सकते हैं। अगर आप कभी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो इससे पहले जाने से पहले आप जरूर एक बार अपना इंजन ऑयल प्लस गियर ऑयल चेक जरूर कर लें, उसके बाद आप इसे टाइटली फिट कर दें। और हल्की प्लायर की हेल्प से इसे आप टाइट कर दें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।